सुप्रभात प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः कक्षा 10 हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के साथ प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के प्रथम मॉड्यूल में आपने देखा कि लेखिका जो यात्रा वृत्तांत का लेखन कर रही हैं, उसमें वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर गई हुई हैं। गंगटोक की यात्रा के वर्णन में पाठ के शुरुआत में वो लिखती हैं कि ये रात्रि का जो दृश्य है, गंगटोक शहर का जो अद्भुत सौंदर्य है, वो ऐसे दिखता है जैसे आकाश के तारे जमीन पर आकर टिमटिमा रहे हों। इतना सुंदर रात्रि में गंगटोक शहर दिखाई दे रहा है। लेखिका इस शहर के लोगों की परिश्रम की तारीफ करते कहती हैं कि ये मेहनत कश बादशाहों अर्थात मेहनत करने वाले परिश्रम करने वाले लोगों का शहर है। इस शहर का सब कुछ उन्हें अच्छा लग रहा है, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। लेखिका सुबह उठ करके अपने बालकनी की तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां देखने के लिए दौड़ती हैं। लोगों ने बता रखा था कि वह दिखाई देता है, लेकिन आकाश में बादल होने के कारण उन्हें वो चोटियां नहीं दिखती हैं। पुनः लेखिका जब प्रातःकाल आगे बढ़ करके यात्रा पर आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ उनका ड्राइवर और क्षेत्र का ही निवासी यानी नेपाली युवक जितेन नार्गे था, ड्राइवर के रूप में था। जितेन नार्गे के साथ लेखिका युमथांग की यात्रा पर निकलती हैं, जिसमें युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। अब युमथांग जाते समय अभी 17 किलोमीटर की दूरी पर तय करने पर उन्हें दिखाई देता है कि कुछ स्थानों पर पातकाएँ यानी झंडियाँ लगी हुई थी जो सफ़ेद रंग की थी। जितेन नार्गे ने उन्हें जानकारी दी कि यहाँ बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या अधिक है और उस धर्म में यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर वो लोग पवित्र स्थान पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पातकाएँ फहराते हैं और उसी प्रकार उत्सव इत्यादि पर रंगीन झंडियाँ लगा करके वो अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग कभी लोंग स्टाक नामक स्थान पर पहुँचते हैं। पुनः जितेन नार्गे ने बताया कि इस स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने नेट पर सर्च करके या अपने घरों में पूछकर गाइड फिल्म के बारे में जाना होगा कि इस फिल्म के अभिनेता कौन थे, देवानंद। इसी प्रकार लेखिका को व्हील चक्र दिखाई देता है, यानी घूमता हुआ एक चक्र जिसके बारे में मान्यता है यह धर्म चक्र है, इसके घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका इस बात पर विचार करती है कि पूरे देश में धर्म को लेकर के लोगों की जो आस्थाएं हैं उसका स्वरूप एक ही है, अंधविश्वास पाप पुण्य की धारणाएं सभी क्षेत्रों में एक जैसी हैं। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी एक नेपाली गीत के आधार पर इस पाठ का नाम रखा था। इन सब बिंदुओं पर आपने मॉड्यूल 1 में चर्चा सुनी थी। अब आगे हम मॉड्यूल 2 में लेखिका की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि लेखिका जो आगे बढ़ते हुए शहर बाजार बस्तियों को पीछे छोड़ती जाती है, उसे रास्ते में कुछ नेपाली युवतियाँ दिखती हैं जो भारी भरकम कार्टून यानी बक्से जैसा धोने वाला एक बक्सा लेकर आगे जा रही थी और साथ में उन्हें अनेक नेपाली युवक भी दिखाई देते हैं। घाटियों में छोटे छोटे घर जो दूर से ताश के पत्तों की तरह दिख रहे थे, लेखिका उनका आनंद लेते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर अब हिमालय के पर्वत की चोटियाँ, विशाल विशाल चोटियाँ सामने आने लगती हैं। बस्ती पीछे छूट जा रही है, पूरा पर्वत इलाका फूलों से भरा हुआ है। इस तरह लेखिका अपनी यात्रा पर बड़े ही झूम झूम कर सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी जैसे गीत को दोहराते हुए गाते हुए आगे बढ़ती है। वह कहती है कि मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका ये भी प्रसन्नता के साथ व्यक्त करती है कि जो हिमालय पर्वत है उसके लिए भी गीत गाते कहती है कि मेरे नगपति मेरे विशाल, और आगे चल करके उन्हें
पथरीले और संकरे रास्ते दिखाई देने लगते हैं। सामने जलप्रपात यानी पानी का गिरता हुआ झरना दिखता है। उसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। लेखिका चुपचाप सी बैठी, ऐसे जैसे कहानियों में हम सुनते हैं किसी राजकुमारी को श्राप मिल गया और वो श्राप के कारण से चुपचाप सी रहती है, वैसे ही लेखिका चुप रहते हुए सारे दृश्य का आनंद ले रही थी। अनमनी सी बैठी लेखिका आगे बढ़ते हुए जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो सारे दृश्य को देखती है। और इस दृश्यों को देख करके, माया और छाया के इन अनूठे खेलों को देख करके वह सम्मोहित सी बनी रहती है, चुपचाप सी रहती है। अनेक पेड़ों की छाया उसे देखती है, गर्दन घुमा घुमा कर सभी खूबसूरती को अपने आँखों में कैद करती जाती है। कहीं कहीं उसे ब्रह्मांड में जैसे कुछ घटित हो रहा हो ऐसा दिख रहा हो। सतत प्रवाहमान झरने जो तीस्ता नदी के झरने थे उसको भी लेखिका, उसका भी वर्णन वो करती हैं। लेखिका कहती है कि एकाएक जब मैं सम्मोहित से सारे दृश्य का आनंद ले रही थी कि मुझे कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए कि जैसे मेरा ध्यान भंग हो गया हो। ये वैसे ही था जैसे समाधि यानी पूरे मन से नृत्य करती हुई किसी नृत्यांगना नृतक नाचने वाली के पैरों के नूपुर अर्थात घुंघरू टूट जाएं और वह रुक जाती है। वैसे ही लेखिका कहती है कि इतने सौंदर्य भरे दृश्य में मुझे एक दृश्य ऐसा दिखाई दिया जो मुझे झकझोर गया। यानी लेखिका ने सामने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें हैं जो रास्तों पर बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हैं। कोमल सौंदर्यशाली औरतों जिनके पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी जिसे डोको कहते हैं उसमें उनके बच्चे बंधे हुए थे और वो स्वयं अत्यंत परिश्रम से अपने कुदाल से पत्थर तोड़ते हुए रास्ते बना रही थी। लेखिका को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतना सौंदर्य जिस क्षेत्र में हो उन क्षेत्रों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख मौत दैन यानी दीनता और जिंदा रहने के लिए इतना कठोर परिश्रम करते हैं। लेखिका मन ही मन ऐसे लोगों की तारीफ करती है, उन महिलाओं की प्रशंसा करती हैं जो मातृत्व यानी माता के रूप में अपने बच्चे का पालन करते हुए और श्रम साधना और परिश्रम करके घर चलाने के रूप में दोनों कार्यों को सफल करती हैं। वहाँ पर लेखिका ने जब कराने वाले कर्मचारी से पूछा ये क्या हो रहा है तो कर्मचारी ने बताया कि यह सड़क बनाने का कार्य कर रही हैं जिस रास्ते से गुजरते हुए आप सभी दृश्यों का आनंद ले रही हैं। लेखिका को बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतने खतरनाक कार्य में ये महिलाएं कैसे कार्य करती होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के द्वितीय भाग में इतनी ही कहानी। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि लेखिका को क्या क्या दृश्य दिखाई दिए, किन किन बातों पर उसने विचार की। आपने अब तक जो कुछ सीखा उसके लिए कुछ प्रश्न आपके लिए जिसे आप अपने को परख सकते हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला विकल्प का नगपति, दूसरा विकल्प खा भुजंगपति, तीसरा विकल्प गा गणपति और घा अनंगपति। तो आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि लेखिका नगपति मेरे नगपति मेरे विशाल शब्द का प्रयोग किया, यानी नग यानी पर्वत, पति यानी स्वामी पर्वतों का स्वामी, हिमालय शब्द का प्रयोग नगपति के अर्थ में किया गया है। प्रश्न नंबर दो, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूत होती है। का पहला विकल्प, नित्यांगना की तरह नृत्य करने लगती है लेखिका, किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। तीसरा विकल्प गा है, लेखिका अत्यंत भयभीत हो जाती है। और चौथा विकल्प गा है, लेखिका का मन घृणा से भर जाता है। बच्चों, लेखिका प्रकृति के इतने सुंदर और विशाल स्वरूप को देख करके एकदम सम्मोहित सी हो जाती है, यानी लेखिका किसी बुत सी माया और छाया की खेल को देखती रह जाती है। प्रश्न नंबर तीन,
जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में प्रमुख रूप से क्या गुण होते हैं। आपने किसी यात्रा में ये देखा होगा कि अनेक स्थानों पर रास्ता बताने वाले, दिग्दर्शन कराने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम गाइड कह सकते हैं। तो यहाँ पर गाइड के क्या क्या गुण होने चाहिए, जैसे जितेन नारगे इस पाठ में था, पहला विकल्प का उसे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वाला होना चाहिए, खा उसे संकटों का सामना करने वाला होना चाहिए, गा उसे अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के साथ साथ सहनशील मानवीय संवेदना को समझने वाला होना चाहिए, और घा उसे संगीत की समझ होनी चाहिए। बच्चों, एक गाइड वही सफल है जो अपने क्षेत्र की जानकारी रखता हो, मानों को समझता हो, मानवीय गुण रखने वाला हो, यानी उसे ये पता हो कि लोग क्या देखना सुनना चाहते हैं, यानी गा विकल्प सही है। उसे अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के साथ साथ सहनशील मानवीय संवेदना को समझने वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? इस पाठ में भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? पहला विकल्प का युमथांग, दूसरा खा लायुंग, तीसरा गा खेदुंग, चौथा घा कटायो। बच्चों, यदि आपने इस मॉड्यूल के पहले वाले मॉड्यूल का अध्ययन किया होगा तो उसमें पाठ के उद्देश्य में आपने ध्यान से ये पढ़ा होगा कि कटायो इस पाठ में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रदूषण नहीं था, इसलिए उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। अत्यंत सुंदर वो स्थान था। अब अगले कार्यपत्र में चलते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए गृह कार्य देते हैं, जिस प्रश्न को आप नोट करेंगे और अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए, झकझोरना यानी एकाएक उसकी तंद्रा टूट गई उन महिलाओं को देखकर जो पत्थर तोड़ रही थी। प्रश्न नंबर 3, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले व्यावसायिक प्रगति और विकास का इन स्थलों तथा प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने विचार लिखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 के लिए आपके संकेत हैं कि ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, वहाँ पर जब लोगों का आना जाना हो जाता है, प्रदूषण फैलता है, दुकानें खुलती हैं, तो उससे उस क्षेत्र के प्रकृति के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बाधा आती है, इस पर अपने विचार करके आप लिखिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में अब तक जितनी बातें समझाई गई वो आपको समझ में आई होंगी। अब इसके आगे की घटना किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।